हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक एम हियर। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मोटो जी प्ले 2021 के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे लीक्स बाहर निकल के आया है, जैसे कि इसे गूगल प्ले कंसोल पर देखा गया है, गीकबेंच पर भी देखा जा चुका है और इसके बारे में सीडी रेंडर्स भी बाहर निकल के आ रहा है। तो जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस फोन के बारे में मुझे मिला है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस फोन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बीच में लाइक कर लेना, शेयर जरूर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना, क्योंकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। तो यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिलता है और बॉटम साइड में आपको देखने को मिलता है एक मोटा सा चिन। और बैक साइड की बात करें, ये प्लास्टिक की बिल्ड हो सकता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। प्लास्टिक की बिल्ड हो सकता है बैक साइड में और इसका जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का होने वाला है। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले हो सकता है, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये CAD रेंडर से कुछ पता चला था। और इसके साथ ही आपको जो रेजोल्यूशन है वो देखने को मिलेगा 720x1600 पिक्सल्स का। ये एक HD+ डिस्प्ले होने वाला है और उसके साथ ही आपको 280 PPI का पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 460 ऑक्टा कोर चिपसेट देखने को मिल सकता है। तो इसके साथ ही आपको ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 610 का GPU देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज के बारे में। यहाँ पर आपको 3GB रैम देखने को मिल जाएगा। रैम कौन सा यूज किया गया है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसमें आपको कौन कौन सा स्टोरेज देखने को मिलेगा इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, मोटो के फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का बात होता है। तो अब चलते हैं बात करते हैं इसके बेंचमार्किंग के बारे में। तो यहाँ पर पता चला है कि इस फोन का जो सिंगल कोर का स्कोर है वो 253 है और जो मल्टी कोर का स्कोर है वो है 1233 का। तो अब चलिए बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4850 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। उसके साथ ही आपको 20W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मोटो ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो यहाँ तक बस इतना ही पता चला है इस फोन के बारे में। और भी डिटेल्स जैसे ही इसका जो लॉन्च डेट है नज़दीक आता रहेगा और भी डिटेल्स बाहर निकल के आएंगे। जैसे ही मुझे पूरा कन्फर्म स्पेसिफिकेशन पता चल जाएगा, मैं आपको एक फुल वीडियो बना के दे दूंगा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसका जो लॉन्च डेट है इसके बारे में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और इंडिया में कब लॉन्च होगा इसके बारे में भी कोई भी मतलब ऐसे हिंट्स भी बाहर निकल के नहीं आया है। वैसे बात करें इस फोन के बारे में, इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो एक मिड रेंज फोन के हिसाब से लग रहा है। अगर ये इंडिया में आता है तो इसका जो प्राइस है वो लगभग मुझे लगता है 12,000 के नीचे रहने वाला है। तो देखते हैं मोटो क्या करती है और किस प्राइस रेंज के अंदर इस फ़ोन को उतारती है मार्केट के अंदर। तो अभी फ़िलहाल यही जानकारी था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना और थोड़ा प्यार दिखा देना, लाइक कर लेना, शेयर ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।